उनके बॉलरों को समझ नहीं आ रही थी कि कहां पे बॉल करें। ऐसे मार पड़ी थी जैसे किसी चोर को नहीं पड़ती, ऐसे मार पड़ी है और ऐसी बैटिंग का टैलेंट नजर आया। और तिलक वर्मा संजू सैमसन, वाओ। फिर तिलक वर्मा और संजू ने 210 रन की पार्टनरशिप कर दी भाईजान, रिकॉर्ड कर दिया होगा ना। 210 रन T20 में यार, ये आउटस्टैंडिंग प्लेयर है ये तिलक वर्मा ना। 284 दोबारा से उन्होंने T20 क्रिकेट में बना दिया और साउथ अफ्रीका में जाके बनाया है। ये याद रखिए कि उन्होंने, ऐसा नहीं है कि कोई भारत के अंदर मैच हो रहा है और आईपीएल की छोटी छोटी बाउंड्रीज हैं जो फ्लैट पिच मिल जाते हैं, तो ये भी भारत है, ये तो साउथ अफ्रीका है ना। और साउथ अफ्रीका को किस तरह एम्बेरेस किया उन्होंने इस सीरीज के अंदर, और सीरीज अपने नाम की है 3-1 से। यार 200 मार, 200 मतलब ऐसा लग रहा है मजाक चल रहा था आज, मुझे तो लग रहा है अबे इतना तेज तो स्टिक क्रिकेट में भी नहीं होते ना, जितनी तेज तो इन्होंने मार दिया पलक झपकते में, सब ऐसी की तेजी मैया वीरान कर दी, उजाड़ कर दिया बॉल इधर उधर, क्या हर बॉल इधर, कभी इधर कभी इधर कभी। 210 रन की पार्टनरशिप हुई है, स्किल लेवल देखें, पावर हिटिंग देखें, इनकी मैच अवेयरनेस, जिस तरह ये रन निकाल रहे होते हैं, इस अप्रोच इस इंटेंट के साथ आ रहे होते हैं। आप मुझे बताएंगे पाकिस्तान में इस वक्त कोई एक प्लेयर भी है हमारी टीम जिसको हम कह सके कि हाँ वो इसी तरह खेल रहे हैं? कमाल है यार, अमेजिंग। मतलब वो देखें यार, नॉच के संजू सैमसन के स्ट्राइक रेट 194.64, तीन सेंचुरियां कर दी उसने। ये 100 करते हैं, 0 करते हैं, बस ये क्लास इस बंदे की। 283 में छक्के ज्यादा लगे हैं, चौके कम लगे हैं, 17 चौके 23 छक्के, अब अंदाजा लगा ले। बॉलर्स को बिल्कुल पागल ही कर दिया आज, उनको समझ नहीं आने दी उनके साउथ अफ्रीकन बॉलर्स को कि वो करें क्या। उनके मुंह बेचारे ऐसे लग रहे थे कि इतने उन पे तरस ही आने लग गया एक टाइम पे, तो कि ये तो छोड़ ही नहीं रहा है उन्हें मार मार के। इन दोनों ने जो है ना आज उनका खाना खराब कर दिया है। तिलक वर्मा ने ये जो स्विच हिट मारी है वो तो कमाल ही है, कमाल छक्का यार, मतलब आंख बंद करो छक्का, आंख खोलो छक्का, मतलब छक्के चौके छक्के चौके, इतने छक्के मारे के लोग छक्के लगने लगे यार, मतलब ये 23 छक्के छोड़ा दिए। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का क्रिकेट पिलर चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। भारत ने साउथ अफ्रीका को 3-1 से T20 सीरीज हरा दिया है, और जिस तरीके से T20 सीरीज में संजू सैमसन और तिलक वर्मा की बल्लेबाजी थी, बल्लेबाजी तो नहीं थी, कह सकते हैं कि एक तूफान आया था और साउथ अफ्रीका को उड़ा कर ले गया। दोनों ने जो स्ट्राइकर के साथ और वो चौकों छक्के के साथ रन बनाए, उसको देखकर पूरी दुनिया ही हैरान है कि साउथ अफ्रीका को भी कोई 283 रन ठोक सकता है। इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया भी इन दोनों की तारीफ कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं वीडियो को। इंडिया की जो T20 इंटरनेशनल्स में आज परफॉर्मेंस रही, ऑब्वियसली ऑन द वर्ज ऑफ विनिंग द सीरीज, सूर्य कुमार यादव हैज बीन अ रेवलेशन एज ए कैप्टन, जो एटीट्यूड है, और तिलक वर्मा संजू सैमसन, वाओ। लेकिन साउथ अफ्रीका जो है उनके घुटने टिक गए आज, फारिग हो गए, कल टुल्ले मार रहे थे, आज रह गए, हमने तो बोला था ठोक देंगे, आज तो रह गए। भाईजान मैं कहता हूँ कि आप जो बोलते थे ना संजू का, सही बोलते थे, कमाल है यार, अमेजिंग। मतलब वो देखें यार, नौ छक्के संजू सैमसन के, स्ट्राइक रेट 194.64, तीन सेंचुरियां कर दी उसने, ये 100 करते हैं, 0 करते हैं, बस ये क्लास इस बंदे की। फिर तिलक वर्मा और संजू ने 210 रन की पार्टनरशिप कर दी भाईजान, रिकॉर्ड कर दिया होगा ना। 210 रन T20 में यार, ये आउटस्टैंडिंग प्लेयर है यार, ये तिलक वर्मा ना, संजू भी करता है, उसको इतना देखा है ना आईपीएल में करते हुए रन, तो यूज टू हो गए। ये भी अभी इंटरनेशनल में जिस तरह से बैटिंग कर रहा है, ये तो हर दूसरे मैच में, ये लेफ्ट हैंडर है इसलिए ज्यादा अच्छा अट्रैक्ट करता है, हर तरफ इसकी शॉट है, हर तरफ स्पिनर पे ही अच्छा है, फास्ट बॉलर पे ही अच्छा है। और 23 छक्के आज इंडिया ने मारे हैं भाईजान, और 17 चौके मारे हैं इंडिया, और साउथ अफ्रीका गुल हो गया है, और 135 रन की शिकस्त, ऐसा लगा कि मैच सिर्फ इंडिया ने आज बैटिंग करी है, साउथ अफ्रीका की बैटिंग भी इंडिया करके चला गया। कमाल हो गया कि आउट ही नहीं हो रहे उनसे यार, ये क्या खा कर आया था तिलक वर्मा, ये संजू का मसला क्या है, 2 दफा 100 मारे, फिर उसके बाद 2 दफा डक लिए, फिर आया तो अपना 100 लेकर आया, छक्के मारने की प्रैक्टिस नहीं हो रही थी, छक्कों की अड़ी लग गई थी, ऐसा लग रहा था अभिषेक के छक्के संजू ने खत्म करने हैं, संजू के छक्के तिलक वर्मा ने। आप यूं ले लीजिए, जो टेस्ट प्लेइंग नेशन के जो सबसे तेज ज्यादा रन है T20I में, उसमें से 3 में से 2 मरतबा तो संजू खड़ा हुआ हर जगह पे, ठीक है, 2 मरतबा संजू ने मारे, एक अभी 190 का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा आज, ये रिंकू का और उसका रोहित शर्मा का जो उन्होंने मारे थे, और इसके बाद आए 204.5 रन की मार दी। अबे तुम लोग क्या मतलब क्या सोच कर आए थे कि किसी को बैटिंग ही नहीं देनी, मतलब जोबर्ग में ये नहीं कि छोटी जगह थी, अबे छक्के इतने दूर थे कि वहां बाजी जो बैठी थी उनको भी नहीं पता था कि संजू का छक्का उनके मुंह पे लगेगा आगे, सूर्या को भी नहीं पता था कि ये जो जुगाड़ लगाएगा मेरे पास, कमरे में चुपके से आया और कहने लगा कि सूर्या भाई मुझे अपना नंबर दे दीजिए, मैं कुछ
करना चाहता हूँ, उसको क्या पता था कि यार ये बैक टू बैक 100 मार के मेरा नंबर ही खा जाएगा। यानी कि सूर्या की जो अब प्रेजेंटेशन है T20 के अंदर, अब वो तिलक वर्मा के बाद ही आ सकते हैं, मुझसे पहले तो आ सकते हैं, क्योंकि यार 200 मतलब ऐसा लग रहा है मजाक चल रहा था आज, मुझे तो लग रहा है अभी इतना तेज तो स्टिक क्रिकेट में भी नहीं होते ना, जितनी तेज तो इन्होंने मार के पलक झपकते में सब ऐसी की तैसी मैया वीरान कर दी, उजाड़ कर दिया, बॉल इधर उधर, क्या हर बॉल इधर, कभी इधर कभी इधर कभी इनसाइड, मैं तो इतनी फील्ड भी नहीं बता सकता जितनी जगह छक्का मार दिया उन्होंने। वो जो उल्टे हाथ से मारा है ना उसने, तिलक वर्मा ने ये जो स्विच हिट मारी है वो तो कमाल ही है, कमाल छक्का यार, मतलब आंख बंद करो छक्का, आंख खोलो छक्का, मतलब छक्के चौके छक्के चौके, इतने छक्के मारे के लोग छक्के लगने लगे यार, मतलब ये 23 छक्के छोड़ा दिए, 206 प्लस रन जो है वो सिर्फ बाउंड्री हिटिंग से। बीइंग अ पाकिस्तानी मैं, मुझे ये याद आ गया बीच में ही कि यार हमने तो ना जाने कब से T20 में 200 रन नहीं किए। क्रिकेट के गधेड़े स्टेडिशन ने ये डाला कि यार 1653 अल्टीट्यूड पर है जोहान्सबर्ग, और यहाँ पर कभी थिन होती है तो यूं होता है एयर, और कभी थिक होती है तो एयर यूं करके होती है, थिन और थिक पूरा मिलाया डाल दिया दोनों, संजू और तिलक ने बता दिया कि भैया जोहान्सबर्ग में अगर छक्के मार सकते हो तो आना, वरना निकला तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। लेकिन ये वर्ल्ड चैंपियंस की तरह जो इंडिया आज खेला है और इंडिया ने आज डिलीवर किया है, हैट्स ऑफ टू सूर्याज मैन, गला घोंट दिया साउथ अफ्रीका का, यूं समझ लीजिए पेट में पे पांव रख, बल्कि सीने पे पांव रखो, गला पकड़ के वहीं दबा दिया मार्कला के लोंडो का। हिंदुस्तान की टीम ने चौथा T20 मैच जीता और 3-1 से सीरीज अपने नाम की है। साउथ अफ्रीका में जाके जीतना इतना इजी नहीं था हिंदुस्तान के लिए, और उतनी बड़ी परफॉर्मेंस दिखाई गया, उनके बॉलरों को समझ नहीं आ रही थी कि कहां पे बॉल करें, ऐसे मार पड़ी थी जैसे किसी चोर को नहीं पड़ती, ऐसे मार पड़ी है, और ऐसी बैटिंग का टैलेंट नजर आया और 283 रन बना दिए, अभी 5 मैच पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, और लास्ट 5 मैचों में 300 कर दिए संजू ने, कौन साइड लाइन करेगा इसको, कोई भी नहीं करेगा। 283 में छक्के ज्यादा लगे हैं, चौके कम लगे हैं, 17 चौके 23 छक्के, अब अंदाजा लगा ले एक सीरीज में 400 यार, ये कोई परफॉर्मेंस ऐसे बताने वाली नहीं है, अप्रिशिएट करने वाली है। एक मैच में 200 हो गए हैं, संजू का 100, तिलक वर्मा का, तिलक वर्मा ने 41 बॉलों पे 51 बॉलों पे संजू ने बना दिया, ये है क्लैरिटी, ये है बैटिंग। कहता हूं कि रिकॉर्ड पार्टनरशिप 210 रन की कौन तोड़ेगा, कौन ऐसे खेलेगा, दो बड़ी टीमें खेल रही हो, इतना एक्सपेक्ट करता है कि इतना बड़ा टोटल बने, लेकिन इंडिया की यंग टीम ने बना दिया जबरदस्त, अनबिलीवेबल बैटिंग, मैं यही बोलूंगा, वेरी वेल डन। ऐसे टीमें बनाई जाती हैं, ऐसे खिलाया जाता प्लेयरों को, मेरे ख्याल से ऐसी परफॉर्मेंस सालों बाद नजर आती है जो आज हिंदुस्तान ने करके दिखाई। 284 इंडिया ने कर दिया है, भारत दिखा रहा है लोगों को कि T20 क्रिकेट किस तरफ को जा रही है, ये यंगस्टर्स हैं पोटेंशियल वाले। दूसरी सेंचुरी की है इस सीरीज के अंदर संजू सैमसन ने, आज फिर धोबी मोड में नजर आया, उन्होंने ये धोती ऊपर करके धस 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 जो लगाना शुरू किए भाई, हम तो देख ही जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हाइलाइट्स देख रहे हैं आज सुबह से। 9 छक्के मारे अपनी इस इनिंग के अंदर, और ये है T20 क्रिकेट। 284 दोबारा से उन्होंने T20 क्रिकेट में बना दिया और साउथ अफ्रीका में जाके बनाया है। ये याद रखिए कि उन्होंने, ऐसा नहीं है कि कोई इनो भारत के अंदर मैच हो रहा है और आईपीएल की छोटी छोटी बाउंड्रीज हैं जो फ्लैट पिच मिल जाते हैं, तो ये भी भारत है, ये तो साउथ अफ्रीका है ना, और साउथ अफ्रीका को किस तरह एम्बेरेस किया उन्होंने इस सीरीज के अंदर, और सीरीज अपने नाम की है 3-1 से। ये सारी दुनिया को पता लग जाना चाहिए कि एक मैसिव डिफरेंस है भारत के यंगस्टर्स में भी, लेकिन ये भारत के यंगस्टर है संजू सैमसन जो उन्होंने उड़ा के रख दिया, और इतना टैलेंट मौजूद है उनके अंदर कि इसी सीरीज के अंदर जो है ना 2 सेंचुरियां उन्होंने लगा दी। और वर्मा ने सूर्या कुमार यादव से कह के पिछले मैच के अंदर जो है ना 1 डाउन गया है, और सूर्या को भी कुर्बान जाओ, उसने कहा ठीक है मेरा नंबर है, लेकिन कोई बात नहीं तुम जाओ, तुम कॉन्फिडेंस से जाओ करके दिखाओ। उसने पिछले मैच में भी सेंचुरी की और मार मार के भुता बनाया, इस मैच में फिर वो 10 छक्के मार गया। अब एक इनिंग को इन दोनों की कह देते हैं कि चलो जी दिन था, लेकिन जब 2-2 सेंचुरियां हो रही हैं तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल मौजूद है, बेतहाशा पोटेंशियल मौजूद है। तिलक इनिंग की जो खास बात थी, एक तो छक्के उन्होंने बड़े बड़े मारते हैं, रीच बड़ी ज्यादा है उनकी, और दूर से बॉल को पकड़ लेते हैं और जोर से शॉट मारते हैं, लेकिन बॉलर्स के साथ खेलते हैं और एक स्टेप अहेड रहते हैं बॉलर से। आज वो एक स्टेप पूरी इनिंग के अंदर अहेड रहे तिलक वर्मा, बॉलर्स को बिल्कुल पागल ही कर दिया आज, उनको समझ नहीं आने दी उनके साउथ अफ्रीकन बॉलर्स को कि वो करें क्या। उनके मुंह बेचारे ऐसे लग रहे थे कि इतने उनपे तरस ही आने लग गया एक टाइम पे, तो ये तो छोड़ ही नहीं रहा है उन्हें, मार मार के इन दोनों ने जो है ना आज उनका खाना खराब कर दिया है। मेरा ख्याल है कि भारत ने टोन सेट कर दिया फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कि आइए भाई यूं खेलना है, अब हम 300 की तरफ जाएंगे वनडे में नहीं T20 क्रिकेट में। अपने स्टैंडर्ड्स भारत ने बहुत ज्यादा हाई कर दिए, और यही बात हम पाकिस्तान को भी समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर आपने आगे बढ़ना है तो आप एक टीम के अंदर 3-3 एंकर प्लेयर नहीं खिला सकते, बिकॉज दुनिया 284 की तरफ जा रही है। पीछे भी उन्होंने कोई 280-283 किया था, ठीक है लोग कहते थे फ्लूक है, आज फिर उन्होंने कर दिया भाई, अब ये भी फ्लूक है।
नई डगर की तरफ लेके जा रहे हैं और मैसेज दे रहे हैं पूरी दुनिया को कि भाई अगर आपने हमसे कम्पीट करना है तो मेक श्योर आपके पास पावर हिटर मौजूद होने चाहिए, बिकॉज अगर हमारा दिन होगा हम आपको 300 भी ठोक देंगे।